ये क्वेश्चन देखते हैं. इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. दे आर सेइंग देर आर थ्री कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल, फाइव फॉर मैथमेटिकल एंड फोर फॉर नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप्स. नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप्स बी अवॉर्डेड. अगेन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो हम लोग वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में क्या डिफरेंस है. देखो यहाँ पर बोलता है देयर आर थ्री कैंडिडेट्स फॉर क्लासिकल. तो क्लासिकल के लिए हमारे पास टोटल थ्री कैंडिडेट्स हैं, फाइव फॉर मैथमेटिकल. मैथमेटिकल स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास फाइव कैंडिडेट्स हैं एंड फोर फॉर नेचुरल साइंस, यानी कि नेचुरल साइंस की स्कॉलरशिप के लिए हमारे पास टोटल फोर कैंडिडेट्स अवेलेबल है. अब पहले क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी वेज कैन दिस स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, यानी कि कितने तरीकों से इन स्कॉलरशिप को हम अवॉर्ड कर सकते हैं. अब देखो जब क्लासिकल के जो थ्री कैंडिडेट्स हैं हमारे पास क्या हो सकता है कि ये कैंडिडेट वन है, कैंडिडेट टू और कैंडिडेट थ्री. तो आप इन तीनों में से किसी को भी स्कॉलरशिप दे सकते हो. एज्यूम आपने कैंडिडेट वन को स्कॉलरशिप दिया. अब अगर आपने कैंडिडेट वन को स्कॉलरशिप दिया उसके साथ फिर हमारे पास मैथमेटिक्स के लिए भी पांच कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि कैंडिडेट वन, कैंडिडेट टू, कैंडिडेट थ्री, कैंडिडेट फोर एंड कैंडिडेट फाइव. अब इन पांचों में से भी आप किसी को स्कॉलरशिप दे सकते हैं. एज्यूमिंग आपने मैथमेटिक्स टू इस कैंडिडेट को आपने स्कॉलरशिप दिया, उसी तरीके से फिर नेचुरल साइंस के लिए आपके पास चार कैंडिडेट्स हैं, वन, टू, थ्री एंड फोर. तो नेचुरल साइंस के लिए वन, नेचुरल साइंस के लिए टू, नेचुरल साइंस के लिए थ्री एंड नेचुरल साइंस के लिए फोर. तो आप इसमें से किसी को भी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. अगर आप चेक करेंगे कि टोटल कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो ये जो तीन कैंडिडेट्स हैं इन तीनों में से आप किसी को भी दे सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय ये जो पांच कैंडिडेट्स हैं इन पांच में से आप किसी को भी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. उसी तरीके से ये जो चार कैंडिडेट्स हैं इन चार में से भी किसी को भी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. तो आपके पास टोटल स्कॉलरशिप कितनी होगी, दैट इज 60, यानी कि 60 वेज के अंदर आप इनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं, जिसमें से 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 60. अब सेकंड केस में उन्होंने बोला इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवार्ड, यानी कि इनमें से एक ही स्कॉलरशिप आपको अवार्ड करनी है, लेकिन वो कितने तरीकों से आप अवार्ड कर सकते हैं. इस केस में हमारे पास आप चेक कीजिए, हमारे पास 3 जो है वो क्लासिकल कैंडिडेट है, प्लस 5 हमारे पास मैथमेटिकल कैंडिडेट है, प्लस 4 हमारे पास नेचुरल साइंस कैंडिडेट्स हैं. सो इन टोटल हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे 12 कैंडिडेट्स. अब इन 12 कैंडिडेट्स में से सिर्फ एक कैंडिडेट को आपको स्कॉलरशिप देनी है, तो आप किसी भी एक कैंडिडेट को यहाँ पर स्कॉलरशिप दे सकते हैं. तो नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास कितनी आएगी, दैट इज ओनली 12. तो पहले केस में हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगा, और सेकेंड केस में हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगा, क्योंकि हम इन चार इन 12 में से सिर्फ एक को देना था. और पहले में आपको ये देखना है कि अगर सबको आपको अगर आपके पास तीन क्लासिकल है, पांच मैथमेटिकल है और चार नेचुरल साइंस कैंडिडेट्स हैं, तो उनको कितने अलग अलग तरीक़ों से आप अवार्ड कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ आपको एक कैंडिडेट को देना है, एक मैथमेटिक्स को देना है और एक नेचुरल साइंस को. यानी कि यहाँ पर तीन स्कॉलरशिप्स हैं, एक क्लासिकल के लिए, एक मैथमेटिकल के लिए, एक नेचुरल साइंस के लिए. अगर तीन स्कॉलरशिप्स हैं तो आपको सिर्फ इतने चॉइसेस आपके पास बनेंगे देने की, लेकिन अगर आपको इन सभी कैंडिडेट में से सिर्फ एक कैंडिडेट को स्कॉलरशिप देनी है तो आपके पास टोटल 12 चॉइसेस ही यहाँ पर बनेंगी. तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन था. अब इससे आगे फिर मैं जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूँ उसके अंदर अलग अलग लेवल्स होंगे. पहले हम लेंगे इजी लेवल के क्वेश्चंस, जो कि उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छे हैं जो जिन्होंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, दैट इज काउंटिंग. अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हैं मीडियम लेवल क्वेश्चंस के अंदर. तो जो नेक्स्ट वीडियो का टाइटल होगा उसके अंदर जो इजी लेवल क्वेश्चंस होंगे वहाँ पर टाइटल में इजी लिखा होगा. अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप उनको पढ़िए और फिर आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस के लिए जाइए. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. सो इन दिस वीडियो आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स, वेरी सिंपल एग्जांपल्स विच आर अगेन लेवल वन एग्जांपल्स, समझने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग कैसे वर्क करता है. पहला केस, अ रूम हैज 7 डोर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर. ठीक है, देखो पहले केस में क्या बोलता है कि हमारे पास एक रूम है, एज्यूमिंग दिस इज़ द रूम. अब इस रूम में 7 डोर्स हैं, जैसे कि डोर नंबर 1, डोर नंबर 2, डोर नंबर 3, ऐसे ही डोर नंबर 4, डोर नंबर 5, डोर नंबर 6 एंड वी हैव अ डोर नंबर 7. तो इस रूम में टोटल 7 डोर्स हैं. एक पर्सन जो है
ही शुड एंटर फ्रॉम वन डोर और उसको उस सेम डोर से एग्जिट नहीं करना है, यानी कि जिस डोर से उस पर्सन ने एंटर किया है ही विल कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर, इट कैन बी एनी वन ऑफ दीज सिक्स डोर्स. ओके, अगर वो डोर नंबर वन से एंटर करता है तो उसके पास टोटल छः डोर्स हैं जहाँ से वो एग्जिट कर सकता है, टोटल हमारे पास सेवन डोर्स हैं. इस केस में अगर वो पूछता है कि हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन एंटर थ्रू वन डोर एंड कम आउट फ्रॉम द अदर डोर, तो एंटर करने के बाद उसके पास सात चॉइसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सेवन डोर्स में से किसी भी डोर में एंटर कर सकता है. लेकिन वो कितने डोर से बाहर निकलेगा, जिस डोर से उसने एंटर किया है वो उस डोर से बाहर नहीं निकल सकता. तो टोटल कितनी चॉइसेस आपके पास बची, सिक्स चॉइसेस, यानी कि छः अलग अलग डोर्स बचे जहाँ से वो बाहर निकल सकता है. तो चॉइस कितनी होगी, 7 × 6 विच इज़ इक्वल टू 42. तो ही कैन एंटर इन 42 वेज, एक डोर से अंडर एंटर होकर, और ही कैन कम आउट ऑफ अ डिफरेंट डोर. ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सोनू. सो हमारे पास एक वर्ड है सोनू, हमें बताना है कि इस लेटर ऑफ वर्ड इस इन फोर वर्ड से आपके पास कितने अलग अलग वर्ड्स बन सकते हैं. पहला, रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, यानी कि एक लेटर अगर आपने रिपीट कर दिया, एक लेटर आपने यूज़ कर दिया तो उस लेटर को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि अगर आपने एस एक बार आपने यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप एस को यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमारे पास हमें बताना है कितने फोर लेटर वर्ड्स बन सकते हैं. तो फोर लेटर वर्ड्स के लिए हमारे पास चार चॉइसेस हैं, दीज आर द फोर लेटर्स, राइट, दिस इज लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 एंड लेटर 4. फर्स्ट लेटर के लिए हमारे पास चार चॉइस है, दैट इज एस ओ एन यू, आपके पास चार चॉइसेस हैं, चार में से कोई भी लेटर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास टोटल फोर चॉइसेस हैं. एज्यूम आपने इसमें से एस को यूज़ कर लिया. ठीक है, अब नेक्स्ट लेटर टू के लिए आपके पास सिर्फ तीन चॉइसेस बची, बिकॉज आपको रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. तो सेकेंड लेटर के लिए आपके पास तीन चॉइसेस हैं जिसमें से ओ एन यू में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एज्यूम करें आपने ओ यूज़ कर दिया. अब लेटर थ्री के लिए, अब लेटर थ्री कुछ भी हो सकता है एन और यू में से, यानी कि आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं. तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं, और लेटर फोर के लिए आपके पास सिर्फ एक चॉइस बचेगी. तो टोटल हमारे पास कितने चॉइसेस है, 4 × 3 × 2 × 1 विच कम्स आउट टू बी 12 × 2 विच इज 24 चॉइसेस, यानी कि आपके पास टोटल 24 चॉइसेस हैं जिससे आप अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं जहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो, रिपीटेशन ऑफ द लेटर्स इज अलाउड, अब यहाँ पर रिपीटेशन को अलाउ कर दिया, यानी कि अगर आपने एक लेटर सोनू एस को यूज़ किया तो उस एस लेटर को आप बार बार यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास ये चार पोजिशंस हैं, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 एंड लेटर 4. ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है उस केस में आपने एस को एक बार यूज़ किया तो चार चॉइस है, मल्टीप्लाइड बाय, दोबारा से आप एस को भी यूज़ कर सकते हैं, फिर से चार चॉइस है, मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि चार प्लेसेस के लिए आपके पास टोटल चार चॉइसेस हैं. तो यहाँ पर टोटल चॉइसेस कितनी होंगी, दैट विल बी 4 raised to power 4 विच इज़ अगेन 16 × 16 विच इज़ 256. तो आपके पास टोटल 256 चॉइसेस हैं. इस केस में देयर 256 डिफरेंट वर्ड्स आर पॉसिबल. ठीक है, नेक्स्ट, गिव द फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर. यानी कि आपके पास चार फ्लैग्स हैं, फर्स्ट फ्लैग एज्यूम रेड, सेकेंड फ्लैग इज ग्रीन, थर्ड फ्लैग इज ब्लू एंड फोर्थ फ्लैग इज येलो. अब इन चार फ्लैग में से आपको कुछ सिग्नल्स जनरेट करने हैं, लेकिन उस केस में आप एक सिग्नल में दो फ्लैग्स का ही यूज़ कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा. जैसे कि आपने ये दो फ्लैग्स को यूज़ किया, ठीक है, मतलब एक सिग्नल के लिए आप दो फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट फ्लैग यहाँ पर और सेकंड फ्लैग यहाँ पर. अब इन दोनों फ्लैग में से पहले फ्लैग के लिए आपके पास कितने चॉइसेस हैं टोटल, आपके पास पहले फ्लैग के लिए टोटल चार चॉइसेस हैं. तो आपने चार चॉइसेस अपने पहले फ्लैग के लिए यूज़ कर ली, इसमें से आपका कोई भी फ्लैग हो सकता है, इट कैन बी रेड, इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी ब्लू और इट कैन बी येलो. अब जो सेकंड फ्लैग है यहाँ पर जो यूज़ करेंगे उसके लिए आपके पास तीन चॉइसेस हैं. तो टोटल कितनी चॉइस होंगे आपके पास, 4 × 3 विच इज़ इक्वल टू टोटल 12 चॉइसेस. तो आपके पास 12 चॉइसेस हैं जिसके थ्रू आप फ्लैग्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर देयर. ओके, अब देखो हमारे पास इंग्लिश के अंदर वी हैव अ टोटल ऑफ 26 अल्फ़ाबेट. अब उन्होंने बोला कि आप कितने वर्ड बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि जो कोई मीनिंग हो या नहीं भी हो,
लेकिन उसमें आपको तीन अलग अलग लेटर्स को यूज़ करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के. तो जो भी वर्ड बनेगा उसके अंदर अगेन उसके लेटर्स में तीन चॉइसेस होंगी आपके पास, द लेटर वन, द लेटर टू एंड द लेटर थ्री. तो लेटर वन के अंदर आप 26 में से कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, जिसलिए आपके पास 26 चॉइसेस हैं. अब लेटर टू के लिए जो अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर चुके हैं वो दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बोला कि थ्री डिस्टिंक्ट लेटर्स यानी कि अगर आपने यहाँ पर एस को यूज़ किया तो नेक्स्ट टाइम आप एस को यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपके पास कितनी चॉइसेस बची? अब आपके पास 25 चॉइसेस बची. एज्यूम आपने यहाँ पर ए को यूज़ किया, अब ए को यूज़ कर लिया, एस को यूज़ कर लिया, यानी कि 26 अल्फ़ाबेट्स में से आपने दो अल्फ़ाबेट्स को कम कर दिया. अब आपके पास सिर्फ 24 चॉइसेस बचेंगी. तो थर्ड लेटर के लिए आपके पास 24 चॉइसेस हैं. तो टोटल अगर मैं नंबर ऑफ चॉइसेस पूछूंगा, देयर विल बी 26 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 24. तो आपके पास इतनी चॉइसेस होंगी टू क्रिएट नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी विद और विदाउट मीटिंग मीनिंग फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट. ठीक है, तो जो चार क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे. अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो आई टेक 3 to 4 क्वेश्चन, अगेन दे विल बी ऑफ वेरी ईजी लेवल, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेंगे जो कि मीडियम लेवल के होंगे. आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पर आई टेक सम मोर क्वेश्चन.